नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय नंबर 2 तुलसीदास। इस अध्याय में हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय। उन्होंने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम के बारे में बताया है, जिसमें सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय का आज हम अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि और संत थे। उनका जन्म विक्रमी संवत 1589 को उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ, ऐसा माना जाता है। राजापुर गांव को चित्रकूट भी कहते हैं, चित्रकूट। तो इस स्थान पर महान कवि संत तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म के विषय में ये भी है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ये अभुक्त मूल नक्षत्रों में पैदा हुए थे। यानी इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चे अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए कष्टदायक होते हैं, और ये बात सार्वभौम सत्य है। और ये घटना तुलसीदास जी के परिवार के साथ, यानी उनके माता पिता के साथ भी घटित हुई। इनका जन्म राजापुर चित्रकूट में, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे थे, जो सर्व प्राणी ब्राह्मण थे। माता का नाम तुलसी देवी था, जो बचपन से ही भगवान श्री राम की भक्ति आराधना करती थी। यानी इनका पूरा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इनका विवाह रत्नावली के साथ में हुआ, जो एक विद्युषु यानी एक विद्वान महिला थी। इनके विवाह होने के पीछे भी एक कहानी है, वो आपको आगे बताएंगे। इनकी शिक्षा बचपन से ही वेद पुराण उपनिषदों की शिक्षा इनके ग्रंथों से, इनके अध्याय से मिलती है। रत्नावली से विवाह होने के बाद इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम तारक था। तुलसीदास जी के महान गुरु, जिन्होंने तुलसीदास जी को शिक्षा, संस्कार, वेद पुराणा पुराण उपनिषदों आदि के बारे में शिक्षित किया, वो गुरु थे नरहरि दास। यानी इन नरहरिदास गुरु के माध्यम से तुलसीदास जी को समाज में हर प्रकार की शिक्षा मिली। अब आपको बताते हैं कि तुलसीदास जी का नाम है वो राम बोला कैसे पड़ा। तुलसीदास जी से पहले राम बोला नाम कहते थे। ये एक, इसके पीछे एक छोटी सी घटना है कि तुलसीदास जी के बारे में बताया गया कि इनका जन्म अभ्युक्त मूल नक्षत्रों में हुआ था, जिसके कारण परिवार के लिए संकट पैदा करने वाले थे। ये अपनी माता के गर्भ में 12 महीने तक अपनी माता के गर्भ में रहे, और जन्म के समय इनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। जन्म के दौरान अन्य बच्चे रोते हैं, लेकिन तुलसीदास जी रोए नहीं, और इनके मुंह से निकला हे राम। तब से इनका नाम राम बोला रख दिया, क्योंकि जन्म होते ही इन्होंने राम शब्द मुंह से निकला इनके, तो इनका नाम राम बोला रख दिया। उसके बाद इनके माता पिता को अन्य गुरुओं ने बताया कि यह बालक मूल नक्षत्रों में पैदा हुआ है, तो परिवार के लिए संकट में यानी कष्ट प्रदान करने वाला है। तो ये घटना सत्य साबित हुई। तुलसीदास जी के जन्म के कुछ दिनों बाद उनकी माता, जो तुलसी देवी है, उनका देहांत हो गया। उनके देहांत होने के बाद कुछ समय के अंतराल के बाद इनके पिता आत्माराम दुबे का देहांत हो गया। इस प्रकार यह रामबोला बालक अनाथ हो गया। उसके बाद एक मुनिया नाम की दासी ने तुलसीदास जी को अपनाया, तुलसीदास जी को पालन पोषण किया। उसके बाद में मुनिया नाम की दासी है, उसका भी देहांत हो गया। आगे के फिर धीरे धीरे नर हरिदास ने इस रामबोला बालक को अपनाया और अपने आश्रम ले जाकर इनको वेद पुराण उपनिषद आदि की शिक्षा प्रदान की। तुलसीदास जी के जीवन परिचय के दौरान आपने पढ़ा। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि तुलसीदास जी का नाम तुलसीदास जी से पहले राम बोला था। राम बोला नाम कैसे पढ़ा, ये आपके समझ में आ गया।
उसके बाद में नर हरिदास ने, तुलसीदास जी के गुरु नर हरिदास ने बालक राम बोला को अपनाया और नर हरिदास ने ही तुलसीदास जी नाम रखा। वो नाम कैसे रखा आप इसमें समझेंगे कि रामानंद के मठवासी के आदेश पर वैष्णव संप्रदाय की तपस्या करने वाले महान संत नर हरिदास ने तुलसीदास जी को अपनाया, अपने आश्रम में जगह दी, आश्रम में अन्य लोगों के साथ यानी अन्य बालकों के साथ तुलसीदास जी को भी रखा। आश्रम में विभिन्न प्रकार की शिक्षा दीक्षा देने के बाद नर हरिदास जी ने राम बोला बालक यानी तुलसीदास, उनका नाम तुलसीदास जी रखा, यानी नर हरिदास ने उनका नाम है वो तुलसीदास रखा। तुलसीदास जी ने वाराणसी में संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया, ठीक है, वाराणसी में संस्कृत व्याकरण अध्ययन किया और संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के साथ ही चार प्रमुख वेद उनका भी तुलसीदास जी ने ज्ञान प्राप्त किया गुरु नर हरिदास के आश्रम में। छह वेदांग का भी अध्ययन किया तुलसीदास जी ने, हिंदी साहित्य दर्शन शास्त्र जैसे महान विषयों का अध्ययन अपने प्रसिद्ध गुरु शेषा सनातन से ये शिक्षा प्राप्त करी। गुरु शेषा भी महान विद्वान और दर्शन शास्त्र हिंदी साहित्य में ज्ञाता थे। तुलसीदास जी की पढ़ाई लिखाई उनके आश्रम में 15-16 वर्ष तक जारी रही। उसके बाद वे वापस अपने गांव राजापुर यानी चित्रकूट लौट आए। तुलसीदास जी के विवाह के संबंध में आपको बताते हैं कि तुलसीदास जी के विवाह जो रत्नावली से हुआ था उसके पीछे एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको बताता हूँ। उनके विवाह के पीछे है कि एक बार तुलसीदास जी अपने गुरु नर हरिदास से शिक्षा दीक्षा संस्कार लेकर प्रसिद्ध एक विद्वान संत कवि बन गए थे और वो लोगों को आश्रम में समझा रहे थे। तो उनकी एक बार कथा चल रही थी, तो उस कथा में पंडित दीनबंधु पाठक जो रत्नावली के पिता हैं वो भी वहाँ कथा सुनने के लिए आए हुए थे। जब कथा पूरी हुई तो उस दौरान वो उस बालक यानी नर हरिदास के शिष्य तुलसीदास जी कथा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ तुलसीदास जी से के लिए मांगा। तुलसीदास जी ने उनकी पुत्री को देखा और उनकी पुत्री से बहुत प्रेम स्नेह रखने लगे। इसके पीछे एक उनके विवाह के पीछे एक कथा प्रचलित है, यानी उनका शादी हो गई और इस शादी होने के उपरांत यानी शादी होने के बाद एक कथा प्रचलित है जिसके बारे में आपको बताता हूँ कि एक बार तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहुत बेताब थे और वो उनसे मिलने के लिए उनको बिना बताए ही अपने ससुराल पहुँच गए। उफनती अर्धरात्रि में उफनती हुई यमुना नदी को पार करते हुए तुलसीदास जी अचानक मध्य रात्रि को अपनी पत्नी के शयन कक्ष में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि रत्नावली सो रही थी तो तुलसीदास जी को देख कर वो अचानक चौंक कर उठी और इस प्रकार की स्थिति में अर्धरात्रि को तुलसीदास जी को अपने शयन कक्ष में देखकर रत्नावली ने तुलसीदास जी से एक बात कही जो बात मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी रत्नावली से एक श्लोक सुनने को मिला जिससे उनका मन ही बदल गया। ये श्लोक इसलिए बोला गया है कि तुलसीदास जी अचानक अपनी पत्नी के पास यानी अपने ससुराल पहुँचे। तुलसीदास जी को इस प्रकार की स्थिति में यानी अर्धरात्रि को अपने शयन कक्ष में देखकर उनकी पत्नी यानी रत्नावली ने एक श्लोक कहा। इस श्लोक से तुलसीदास जी की जीवन कहानी यानी उनका जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। वो श्लोक इस प्रकार से है कि अस्ति चरम में दे ये ता सो ऐसी प्रीति, यानी रत्नावली ने कहा कि आप मेरे इस हार्ड मास के शरीर से इतना प्रेम स्नेह करते हो, इतना प्रेम स्नेह रखते हो, नेकू जो होती राम सुता कहे भव बीत, अगर इससे आधा प्रेम भी अगर आप भगवान श्री राम से करते तो आपका भव है यानी भाव सागर है वो बदले जाता, यानी आपको भाव सागर की उत्पत्ति हो जाती है आपके अंदर, आपको भगवान श्री राम में मिल जाते। तो अपनी पत्नी रत्नावली जो वे एक बहुत ही विद्वान यानी विदुष महिला थी उसके इस प्रकार के कड़वे प्रवचन सुनकर तुलसीदास जी ने पूर्ण रूप से अपने मन को बदल दिया और उसी क्षण अपनी पत्नी को उनके पिता के पास छोड़कर तुलसीदास जी अपने पिता के घर
चित्रकूट यानी राजापुर लौट आए। और राजापुर लौटने के बाद तुलसीदास जी ने इस श्लोक को सुनकर अपना मन इस प्रकार से बदल दिया कि उन्होंने अपना घर परिवार अपनी पत्नी माता पिता सबको त्याग दिया। उसके बाद में तुलसीदास जी भगवान श्री राम की शरण में पूरे भारत का भ्रमण किया, जगह जगह घूमने गए, द्वारका, बद्रीनाथ, कैलाश पर्वत, मानसरोवर, पुरी, उड़ीसा आदि जगहों पर तुलसीदास जी ने भ्रमण किया। हर जगह भगवान श्री राम का ही गुणगान करते थे और इस प्रकार से परम भक्ति भगवान श्री राम की करने में वो लीन हो गए। तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की, ये विद्यार्थियों आप सभी को पता है, लेकिन इस रचना को करने का आदेश, आशीर्वाद, प्रेरणा ये सारी चीज़ें तुलसीदास जी को जिस व्यक्ति से मिली वो थे श्री हनुमान जी। एक बार चित्रकूट के 80 घाट पर रामचरितमानस की रचना करने का प्रेरणा यानी रचना करने का आशीर्वाद श्री हनुमान जी से तुलसीदास जी को मिला, क्योंकि तुलसीदास जी अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ने के बाद यानी परिवार मोह माया बंधन आदि से मुक्त होने के बाद भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। वो दिन रात भगवान श्री राम की भक्ति आराधना करते रहते थे और पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया, जिस स्थान पर भी जाते भगवान श्री राम का गुणगान करते। ऐसा करते करते वो पूर्ण रूप से भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। तो उनके बारे में कहा जाता है कि महाकाव्य यानी रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। इस ग्रंथ की रचना करने का मतलब उद्देश्य इस ग्रंथ का लिखने का आशीर्वाद वो भगवान तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिला, यानी हनुमान जी से उनको आशीर्वाद मिला। कहते हैं कि वाराणसी में तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी के दर्शन हुए। संकट मोचन का मंदिर तुलसीदास जी ने वाराणसी में बनाया और उनसे ही आशीर्वाद मिला। हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी को अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणा मिली। हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए, शिव और पार्वती के दर्शन हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी के जीवन में श्री हनुमान जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी रामचरितमानस की रचना करने का आशीर्वाद तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी से मिला। और चित्रकूट के 80 घाट पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ है वो लिखना आरंभ किया। उस ग्रंथ को पूरा करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस ग्रंथ को पूरा किया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए, लेकिन जब पहली बार तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए तो वो उनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि एक बार उन्होंने देखा कि एक घोड़े की पीठ पर 2 बालक सवार थे। वो तुलसीदास जी के पास से होकर निकले, लेकिन तुलसीदास जी को पता नहीं चला उन्हें कि ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण हैं। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वो हनुमान जी की पीठ पर जो 2 बालक थे वो राम और लक्ष्मण थे तो वो बहुत दुखी हुए। उसके अगले ही दिन तुलसीदास जी जंगल में वन में चंदन घिस रहे थे, तो चंदन घिस रहे तो वहाँ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुजर रहे थे, तो अचानक तुलसीदास जी के पास आकर भगवान श्री राम खड़े हो गए और तुलसीदास जी को अपने माथे पर चंदन का तिलक करने के लिए कहा, लेकिन अपने इष्ट प्रभु आराध्य प्रभु को अपने पास देकर तुलसीदास जी चंदन करना भूल गए और प्रभु को एकटक देखने लगे। तो फिर भगवान श्री राम ने नीचे झुककर चंदन अपने हाथ में लगाया और अपने और तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि भगवान श्री राम के लिए वो भक्ति आराधना करते थे, भगवान श्री राम का पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी एक महान कवि और संत थे। तुलसीदास जी की मृत्यु के विषय में आपको पहले बताया था कि इनकी मृत्यु 1680 विक्रमी संवत में हुई थी, लेकिन
पूर्ण रूप से आपको मैं बताता हूँ कि मृत्यु के आखिरी समय में ये काफ़ी बीमार रहने लगे थे, अस्वस्थ हो गए थे। चित्रकूट में गंगा नदी के 80 घाट पर ये अपनी मृत्यु से पहले आखिरी कृति यानी प्रमुख रचनाओं में जिनका नाम लेते हैं हम आखिरी कृति विनय पत्रिका लिख रहे थे, जिस पर भगवान श्री राम ने खुद हस्ताक्षर किए। उसके बाद में अस्वस्थ चलने के काफ़ी दिनों बाद तुलसीदास जी की विक्रमी संवत 1680 में चित्रकूट गंगा नदी के 80 घाट पर उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन में प्रमुख साहित्यिक कार्य किया, रचनाएं लिखी, जिनमें उनकी 12 रचनाएं काफ़ी लोकप्रिय हुई, काफ़ी प्रसिद्ध मशहूर हुई, जिनको 6 अलग अलग भागों में बांटा गया, जिनमें 6 मुख्य रचनाएं थी जो अवधी भाषा में लिखी गई और 6 छोटी रचनाएं थी जो ब्रज भाषा में लिखी गई। तो इन रचनाओं के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि तुलसीदास जी के साहित्य कार्य उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या रचनाएं लिखी। रामचरितमानस, रामलला नच्छु, बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रसन्न, ये उनकी 6 मुख्य बड़ी रचनाएं थी जो उन्होंने अवधी भाषा में लिखी थी। उसके बाद में प्रमुख 6 छोटी रचनाएं जो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी, जिनमें कृष्णा गीतावली, साहित्य रतन, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और उनकी अंतिम कृति जो मृत्यु से पहले उन्होंने लिखी थी, जिस पर भगवान श्री राम ने खुद अपने हाथों से हस्ताक्षर किए थे, वो थी विनय पत्रिका। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज आपने महाकवि महान संत तुलसीदास जी का जीवन परिचय समझा। तुलसीदास जी जैसे महान संत ने एक बात कही है कि सुंदर नारी या सुंदर वेश में किसी को देखकर मूर्ख व्यक्ति नहीं अपूति चालाक मनुष्य भी धोखा खा जाता है। जिस प्रकार आपको मोर दिखने में अति चतुर होता है और उसके वचन अमृत होते हैं, लेकिन उसका आहार देखो वो सांप का आहार करता है। इस प्रकार से तुलसीदास जी भगवान श्री राम के परम भगत थे। उन्होंने भक्ति अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में भगवान श्री राम की भक्ति ही की। तो ये पूरा जीवन परिचय जो आज आपने समझा है वो आपकी नोटबुक में आप लिख सकते हो। इस प्रकार से तुलसीदास जी का जीवन परिचय आज आपको बताया गया।